जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि आपके बीएड में कई बार पूछा जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें लखनऊ विश्वविद्यालय के बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स के बारे में। इसके अलावा भी अगर आप बीएड में हैं तो ये आपसे टॉपिक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या डिफरेंस होता है, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या फ़र्क होता है, कई बार सवाल पूछता है। और लखनऊ विश्वविद्यालय को जैसा मैंने बताया आपके तो ये सिलेबस में दिया गया है और ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों विशिष्ट शिक्षा। अच्छा, जब विशिष्ट की बात करी जाए तो विशिष्ट शिक्षा मतलब विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा। अब यहाँ पे विशिष्ट बालकों का मतलब ये होता है वो बालक जिनके अंदर थोड़ी सी कुछ असहज हो। जैसे विशिष्ट बालक उन बालकों को कहते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक या सामाजिक क्षेत्र में बहुत भिन्न होते हैं। जैसे सामान्य बालक की हाथ पैर सही चीज़ सब ठीक है, विशिष्ट बालक में हो सकता है अक्षमताएँ हों उनको देखने में, सुनने में, लिखने में, चलने में, बोलने में, तो ऐसे बालक को हम विशिष्ट बालक कहते हैं। अब इन बालकों को आवश्यकता भी है सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकताएँ भी अलग होती हैं। ठीक, सबसे पहले तो अगर हम सामान्य हैं तो हमारे लिए पढ़ना है, लेकिन अगर उनके पैर में तकलीफ है तो उनकी पहली चुनौती तो चलना होता है, दूसरी बात कि वो दौड़ना, खेलना, हर एक जगह पर चुनौती है, तो उनकी आवश्यकताएँ क्या होती हैं, सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं। अब इन विशिष्ट बालकों को, जी हाँ, इन विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा विशेष रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है, इसमें विशेष शैक्षिक गतिविधियों, विशेष पाठ्यक्रमों और विशेष शिक्षकों द्वारा आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो विशेष शिक्षा क्या होता है भाई, विशेष शिक्षा यानी कि विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन होता है जहाँ पर हम विशिष्ट बालकों को, विशेष विद्यार्थियों को विशेष पाठ्यक्रम से विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष आवश्यकता अनुसार पढ़ाते हैं। जिस बच्चे को अगर थोड़ी सी पैर में तकलीफ हो तो हम वहाँ पर हेल्प करेंगे, आँख में तकलीफ है तो हम वहाँ पर हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से विशिष्ट का मतलब एक अलग उनके लिए स्पेशल क्लासरूम बनाना, एक अलग उनके लिए शिक्षा व्यवस्था करना, ठीक है। इसके बिल्कुल विपरीत समावेशी क्या है, समावेशी शिक्षा इस पर बात नहीं करता कि कौन किस प्रकार है। समावेशी शिक्षा कहता है दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य बालकों से अलग रखकर विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाने का विरोधी है, विशिष्ट शिक्षा का ये विरोधी है। समावेशी शिक्षा एक सामान्य छात्र को एक दिव्यांग छात्र के साथ पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब आप सबको समाहित करके सबको एक साथ रख के पढ़ाइए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि समावेशी शिक्षा एक सामान्य छात्र को एक दिव्यांग छात्र के साथ पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा यह बताता है कि सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र समान शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलना चाहिए, दोनों को एक प्रकार शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलना चाहिए। इसके मुताबिक असक्षम और दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह शिक्षा विशेष विद्यालय और कक्षाओं को स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार करता है। मतलब समावेशी शिक्षा जो स्पेशल एजुकेशन होता है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये नहीं मानता कि आप उसको अलग पढ़ा दीजिए, एक साथ उनको पढ़ाइए, नहीं, सामान्य बालकों के साथ पढ़ाइए। क्या हुआ अगर ऐसा अच्छा हो तो, है तो वो इंसान ही, उनके अंदर किसी भी कमी से पोटेंशियल कमी नहीं आएगी, वो बिल्कुल बेहतर कर जाएंगे। तो समावेशी इंक्लूसिव का मतलब सबको समावेशित करके एक साथ पढ़ाना, विशिष्ट का मतलब उनके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था चलाना। यहाँ तक समझ में आ गई बात, बिल्कुल यही आपसे सवाल में पूछा जाएगा। अगर समझ गए हैं आप तो इनके मध्य अगर अंतर की बात करी जाएगी तो आप इसी प्रकार से इनका अंतर आप लिख सकते हैं। जैसे विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच का जो महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक तरफ जहाँ समावेशी शिक्षा सामान्य छात्रों को विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के साथ एक छत के नीचे पढ़ाया जाता है, वहीं विशिष्ट शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिए अलग स्कूल का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। इस तरह के स्कूल प्रशिक्षित शिक्षक, कर्मचारी आदि नियुक्ति की जाती है। तो समझ में आ गया, समावेशी का मतलब सबको एक साथ और विशिष्ट का मतलब ऐसा है आप उनको अलग पढ़ा लीजिए, अलग क्लासरूम में पढ़ा लीजिए। बेहतर कौन सा है, बेहतर समावेशी शिक्षा है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी समावेशी शिक्षा के बारे में ही कहती है, बेहतर क्या है, समावेशी शिक्षा है। विशिष्ट स्कूलों में विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों की भागीदारी को कम अवसर मिलते हैं, जबकि समावेशी शिक्षा में उन्हें भागीदारी के बराबर अवसर मिलते हैं, ठीक है। विशिष्ट स्कूलों में छात्रों को सभी तरफ की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जबकि समावेशी शिक्षा में छात्रों को उसके मुकाबले कम सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि विशिष्ट, जब विशिष्ट की बात की जाएगी तो छात्रों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, जबकि समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर सिंपैथी दें। आपको पता है सीटेट में अक्सर सहानुभूति, सिंपैथी ये नेगेटिव वर्ड माने गए,
उनको करके सीखने दीजिए, उनके अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए, उनको सीखने दीजिए, उनको दौड़ने दीजिए, उनको 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 आगे बढ़ने दीजिए। तो यहाँ पे विशिष्ट में उनको क्या है, हर एक जगह पे सुविधाएं, हर एक कदम कदम पे सुविधाएं, यहाँ नहीं, आप सामान्य बालकों की तरह पढ़िए, कोई समस्या नहीं है, आप मजबूत हैं, आप कर सकते हैं। इस तरह की सोच और इस तरह की भावना विकसित की जाती है। वास्तव में समावेशी शिक्षा की लागत विशिष्ट शिक्षा के मुकाबले कम होती है, क्योंकि समावेशी में आपने एक ऐसा क्लासरूम बनाया जिसमें हर एक प्रकार के बालक पढ़ सकते, जबकि विशिष्ट में क्या करेंगे, उनके लिए अलग क्लासरूम, अलग टीचर, अलग किताबें, अलग पाठ्यक्रम बनाना, तो ये ज़्यादा खर्चीला होता है। विशिष्ट स्कूल के बच्चों की अलग अलग क्षमताओं के आधार पर अलग अलग सुविधा मुहैया कराई जाती है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, समावेशी शिक्षा कम खर्चीला होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे हो गए पॉइंट। एक और पॉइंट देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, आप जिसको समझ रहे हैं उसको शब्दों में पिरोना है, बस शब्दों में कैसे लिखना है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। विशिष्ट शिक्षा छात्रों को शिक्षा के अधिकार का दिलाने पर जोर देती है, वही समावेशी शिक्षा शिक्षा के अधिकार के साथ समानता के अधिकार पर भी जोर। विशिष्ट शिक्षा इस बात पर बल देती है कि सारे बच्चे पढ़ें, जो अगर अपंग भी है, अपाहिज भी है, थोड़ी सी उनके अंदर, ऐसे हम इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए हम विशिष्ट कहते हैं, मतलब अगर उनके कोई अक्षमता है फिर भी वो पढ़ें। जबकि समावेशी पढ़ाई के साथ साथ समानता के भी अधिकार पर बल देती है कि सब एक साथ पढ़ें, समान है, सब एक साथ है। अच्छा, समावेशी से ना बच्चों के अंदर आत्मनिर्भर आता है, मतलब वो थोड़े से कॉन्फिडेंट आता है उनका कि हम भी एक समान हैं, मतलब थोड़ा सा भेदभाव शुरू से ही कम करते हुए चले जाते हैं, तो बिल्कुल अंततः भेदभाव नहीं रहता, सब बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। विशिष्ट शिक्षा में छात्र खुद को समाज से अलग थलग महसूस करते हैं, बात सही है, जबकि समावेशी शिक्षा में खुद को समाज का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट निकला। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको पॉइंट बना बना के लिखना है, यही वो सारे पॉइंट थे। कहने का मतलब विशिष्ट शिक्षा मतलब जहाँ पे बालकों को बांट दिया जाता है विशिष्ट और सामान्य में, जबकि समावेशी शिक्षा में विशिष्ट और सामान्य को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। इन दोनों में अंतर अगर आएगा तो लिख लेंगे दोस्तों। चलिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने विस्तृत तौर पर देखा था समावेशी शिक्षा के बारे में, एक एक पॉइंट देखा था कि समावेशी शिक्षा की अर्थ क्या होती है, परिभाषा, प्रकृति, विशेषता, सारी चीज़ें देखी थी। मैं आशा करता हूँ कि आप वो देख लिए होंगे, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, आशा करते हैं ये आपके लिए सहायक होगा। सहायक होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करिए, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में आपके एक अन्य टॉपिक के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।